हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। और न्यूट्रिशन में हम किसके बारे में पढ़ा, हमने पाचन के बारे में, यानी जो लास्ट हमारे पास आया था चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि जीवों में पोषण किस प्रकार होता है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, पाचन के बारे में पढ़ रहे थे कि पाचन किस प्रकार से होता है मनुष्यों में। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे पाचक अंगों के बारे में, कौन कौन से पाचक अंग होते हैं और उनमें जो पाचन होता है वो किस प्रक्रिया से, किस प्रकार से होता है, कौन कौन से जो ग्लैंड हैं वो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन यानी कि पाचन में। तो हम पाचक अंगों के साथ साथ और क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है। पाचक अंगों की हमने बात कर ली, हमने कहा कि जो हमारे जो बक्कल कैविटी है और एनस तक पूरा ये जो पार्ट है इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल में ही क्या होता है, हमारा जो भोजन है, भोजन का पाचन होता है और क्या होता है, इसका अवशोषण होता है। सबसे पहले हमने बात की थी जब पाचन की, तो पाचन क्या होता है, हमने क्या कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसका सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे हमने पाचन कहा था। यानी कि क्या हमने कहा, हमने कहा जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं, जटिल भोज्य पदार्थ का सरल भोज्य पदार्थ में जो परिवर्तन है, जो कन्वर्जन है, उसे ही हमने पाचन कहा था। इसमें हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, हमने कहा कि दो प्रकार से पाचन होते हैं, एक तो फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, यानी एक फिजिकली क्या होगा, वो क्या होगा, भोजन का ब्रेकडाउन होगा। फिजिकल से क्या मतलब है, जब भी वर्ड आता है फिजिकल तो हम क्या कहते हैं, हमने कहा जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमने कहा कि तुम्हारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकली तुम बहुत फिट हो। फिजिकली का क्या मतलब है कि तुम दिखने में जितना जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से आप बहुत फिट हो। उसी प्रकार हम क्या कहते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन है, भोजन का फिजिकल ब्रेकडाउन का क्या मतलब है कि भोजन को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देना। अब आपने एक एप्पल लिया, आपने एप्पल को क्या कर अलग अलग पीसेस में कट कर दिया है, वो भी फिजिकल ब्रेकडाउन में आता है। आपने क्या कर दिया कि एप्पल को अपने दांतों से काटा और उसको क्या है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, यानी कि चबा करके आपने छोटे पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया है, वो भी फिजिकल ब्रेकडाउन है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ये तो एक प्रकार का क्या होता है, एक जो पाचन है, पाचन में पहली प्रक्रिया आती है फिजिकल ब्रेकडाउन, सेकेंड आता है केमिकल ब्रेकडाउन। अब केमिकली क्या हो रहा है, जो फूड है, जो भोजन है, अब वो रसायनों के द्वारा उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। इन शॉर्ट हम पाचन में क्या करते हैं, हमने कहा कि जो जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसका जटिल अवस्था से सरल अवस्था में परिवर्तन होता है। और सरल अवस्था में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि जटिल फॉर्म को हमारी बॉडी अवशोषित नहीं कर सकती है। हमने अगर हमने चावल खाया और हमने चावल को एज इट इज खा दिया, हमने अगर उसे चबाया नहीं, हमारी बॉडी में कोई केमिकल नहीं निकला, तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी पूरी के पूरे चावल को ही एब्जॉर्ब कर लेगी। हमें क्या चाहिए, चावल में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, हमें दालों में उपस्थित प्रोटीन चाहिए, हमें क्या है जो यहाँ पे हम वसायुक्त भोज्य पदार्थ लेते हैं, चाहे आप घी खाते हो या मक्खन खा रहे हो, तो हमें उसमें जो फैट है, जो वसा है, वो हमें चाहिए। तो वो हमें कैसे मिलेगी, आपने चावल को चबाया, चावल को चबा करके चावल का फिर क्या होता है, एक तो फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, एक केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी केमिकल कुछ रसायनों के द्वारा उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। यानी कि भोजन पहले क्या था, पहले हमें पूरा चावल दिखाई दे रहा था, अब उसका ब्रेकडाउन इस प्रकार से हो गया है कि वो क्या है, लिक्विड अवस्था में आ गया है और हमारा जो हमारी जो बॉडी है अब उसे अवशोषित कर पा रही है। तो आपने अभी तक क्या सीखा, आपने यही सीखा है कि जब पाचन होता है तो जिस अवस्था में हम भोजन को ग्रहण करते हैं हमारी बॉडी उसी अवस्था में भोजन को नहीं ग्रहण करती है, बल्कि जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है, अलग अलग चरण होते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन की हमने बात कर ली है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है और किस प्रकार से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो भोजन है वो ट्रेवल करता है, वहां पे क्या क्या प्रक्रियाएं होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ा था कि जो भोजन ग्रहण करने की विधि के अनुसार अलग अलग प्रकार के हमने जीवों के बारे में पढ़ा था, डाइजेशन की बात आ गई थी और ये हमने देख लिया था कि डाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे ये जो पूरे पार्ट्स हमें दिखाए इसके बारे में हमने बात कर ली थी। हमने कहा बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है,
हमने कहा बक्कल कैविटी में क्या आता है, हमारे दांत आते हैं, टीथ आता है, टंग आती है, सलाइवरी ग्लैंड आती है, फूड पाइप होता है, सेकेंड स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये सारी ही चीजें किसमें आती हैं, हमने इसे कहा था पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सारे ही पार्ट, जितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे भाग लेते हैं किसमें, पाचन की प्रक्रिया में। ये हम पढ़ चुके हैं, हम इसे रिवाइज कर रहे, तो फटाफट एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कौन सा जो ऑर्गन है वो कहाँ है। हमने कहा था जो हमारी मुख्य गुहा है, मुख्य गुहा को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। यहीं दांत भी है, जीभ भी है और स्लाइवरी ग्लैंड होती है। मैंने आपको कहा था एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक टंग के नीचे होता है। तो ये क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है, जो सलाइवा जिसे हम सामान्य भाषा में थूक भी कहते हैं, वो कहाँ से, उसे हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। और कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ये हमारी भोजन नली है, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, और ये हमारा स्टमक है, स्टमक जिसे कि हम पेट कहते हैं। स्टमक के बाद क्या आएगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आएगा और फिर एनस आएगा। ये सारे पार्ट्स के बाद हमने कर ली थी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया था, अब हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है, सलाइवा को रिलीज कर रही है, लिवर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और पेनक्रियास तो बहुत सारे यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है, पेप्सिन, रेनिन और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पे भोजन, आपको कुछ यहाँ पे शब्द हमने पढ़े थे, जैसे कि अंतर्ग्रहण हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था कि अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन जो ग्रहण करने की विधि है उसे हमने अंतर्ग्रहण कहा था। उसके बाद हमने कहा था कि भोजन का पाचन होता है कि एक भौतिक विधि के द्वारा, एक रासायनिक विधि के द्वारा। फिर अवशोषण होता है यानी कि पाचन के बाद जो लास्ट में जो हमारे पास आया, यानी कि जो भोज्य पदार्थ हमारे पास आया उसका अवशोषण हो रहा है, और अवशोषण होने के बाद यहाँ पे एसिमिलेशन होगा। क्या होता है एसिमिलेशन, जिसे हम स्वांगीकरण कहते हैं, यानी कि जो अवशोषित भोज्य होता है वो शरीर की कोशिकाओं में ले जाया जाता है और ऊर्जा का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। और लास्ट प्रक्रिया हमने बहिक्षेपण कहा था, जिसे हमने क्या कहा था, इजेशन कहा था। इसमें अब जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उससे कुछ भोज्य पदार्थ से तो कुछ भोजन से तो एनर्जी निकली, और जो जिस भोजन से एनर्जी नहीं मिली वो अपशिष्ट था, जो कि इजेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया गया। चलिए, तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी, और आज हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डीप में। आप अभी से इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हर बार आता है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, हम जान पाएंगे कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो किस प्रकार से पाचन होता है, किस प्रकार से डाइजेशन हो रहा है, और हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, कहाँ पे वो होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम फील करते हैं, जब हमने बहुत ठंडा पानी पिया तो हम फील करते हैं किस प्रकार से वो नीचे जा रहा है, तो उसी प्रकार से आप जान पाओगे। तो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब भी हम अपने बारे में कुछ पढ़े, अपनी बॉडी के बारे में कुछ पढ़े, अपने बिहेवियर के बारे में कुछ पढ़े, तो वो इंटरेस्ट का विषय बन जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है, द सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव ट्रैक अलोंग विद द ग्लैंड इज कॉल्ड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी वह प्रणाली जिसमें पाचन तंत्र के साथ साथ ग्रंथियां भी होती हैं, पाचन तंत्र कहलाती है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि आइए जानते कि पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। अब हमें पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो पाचक तंत्र होता है वो क्या होता है, पाचक तंत्र पाचक अंगों से मिलकर बना होता है। पाचक नाम ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे पाचक अंग। मैंने कहा जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना है ये पाचक अंगों से मिलकर बना है। अब पाचक अंग क्या करेंगे, पाचक यानी कि वो पाचन करेंगे। जो भी अंग, जो भी ऑर्गन यहाँ पे पाचन कर रहा है उसे हमने पाचक अंग कह दिया, और पाचक अंग बहुत सारे पाचक अंगों को हम एक सामान्य नाम से बुला लेते हैं, हम इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर यहाँ पे पाचन तंत्र।
चलिए, ये बात हो गई है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि पाचन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो मैंने आपको बताया था पाचन की प्रक्रिया हमारे मुंह से शुरू हो जाती है जब हमने भोजन को अंतर्ग्रहण किया और जब हम भोजन को चबाने लगते हैं तो वहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बक्कल कैविटी या फिर मुख गुहा, माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुख और मुख गुहा सबसे पहले। अब यहाँ से हो रहा है डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब आपको ध्यान से देखना है, वैसे तो हमने ये चीजें कुछ कुछ चीजें ऐसी आएंगी कि जो हम डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन अब हम क्या करें, सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, क्रमबद्ध रूप से देख रहे हैं कि पाचन किस प्रकार से होगा। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ इंजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ और अब बक्कल कैविटी, यानी कि अंतर्ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है वो मुख गुहा से शुरू होती है। आपको अंतर्ग्रहण का मतलब बताया गया, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को मुख में डालना या भोजन को ग्रहण करना। अब ग्रहण में क्या करते हैं, हमने एक बाइट लिया भोजन को और अपने मुंह में डाला, सिंपली इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। यही आपको बताया गया है कि जो अंतर्ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो मुख से शुरू होती है। एज वी इंजेस्ट फूड द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ स्टार्ट इट्स डाइजेशन। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख में मौजूद लार ग्रंथियां उसका पाचन शुरू कर देती हैं। अब जैसे हमें भूख लगी होती है तो हम भोजन को देख के हमारे मुंह में एकदम से सलाइवा आ जाता है, वैसे ही जैसे हम भोजन को मुंह में रखते हैं और चबाने लगते हैं तो क्या होता है, सलाइवा, एकदम से सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है, यानी कि वहां पे सलाइवा हमारे मुंह में आने लगता है, जिसे हम सामान्य भाषा में थूक कह रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये थूक क्या होता है, यहाँ पे ये पाचन, बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, पाचन भी करेगा ये भोजन का, ये भोजन को गीला भी करेगा जिससे कि चबाने में सहायता होगी और ये भोजन को निगलने में भी सहायता करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप ब्रेड खाते हो या बन खाते हो तो अगर आप उसे सूखा खाओगे तो वो निगल, एक तो वो चबाने में बहुत क्या होती है, कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो गंध होता है या जो ब्रेड होता है वो हमारे सारे सलाइवा को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वहां पे सलाइवा की कमी हो गई है तो हमें चबाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है और फिर हमें निगलने में भी कुछ दिक्कत होती है। कई बार आप क्या करते हो, पानी या चाय का घूंट मार लेते हो जिससे कि वो जो ब्रेड है वो हम उसे आसानी से निगल सके। तो यहाँ पे क्या होता है, सलाइवा क्यों हमें निगलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सलाइवा की कमी हो रही है। इसका मतलब सलाइवा यहाँ पे निगल, भोजन को निगलने के लिए या उसे चबाने के लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पे भोजन का पाचन भी करेगा। आप देखोगे कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे मुख से शुरू हो जाता है और सिर्फ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। फिर हम देखेंगे कि जो स्टमक है, स्टमक में फिर क्या होता है, प्रोटीन का भी यहाँ पे डाइजेशन होता है। इस ओपिगे से यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा द टीथ प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी कट द फूड इन टू द स्मॉल पीसेज बाय च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग इट, यानी कि मुख गुहा में उपस्थित दांत भोजन को चबाकर और पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। अब ये सारी चीजें हमें पता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो भोजन को छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और ये कौन सा पाचन है, ये फिजिकल ब्रेकडाउन है भोजन का। हम भोजन को फिजिकली क्या कर रहे हैं, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में, पीसेस में उसे परिवर्तित कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट अ वॉटरी लिक्विड सलाइवा, यानी कि लार ग्रंथि एक जलीय द्रव्य, यानी कि जिसे हम लार कहते हैं, लार का श्रावण करती है, जिसे हम थूक कहते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ कुछ क्या लिक्विड जैसा होता है। और कौन इसे श्रावित कर रहा है, इसे सलाइवरी ग्लैंड श्रावित कर रही है और अब आप थूक को सलाइवा कहेंगे क्योंकि अब आप साइंस पढ़ रहे हो। तो साइंस की लैंग्वेज में या बायो की लैंग्वेज में हम थूक को क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। क्योंकि अगर आप सलाइवा याद रखोगे कि आप सलाइवा से आप क्या करोगे, ये भी याद रख सकते हो कि सलाइवा कहाँ से निकल रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है। तीन प्रकार की ग्लैंड होती है हमारे बक्कल कैविटी में, हमारे मुंह में, तो एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है और एक यहाँ होती है टंग के नीचे। तो ये तीन प्रकार की क्या होती हैं, ग्लैंड होती हैं जो कि यहाँ पे सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा फूड यानी कि स्टार्च द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, यानी कि इस लार में पाचक एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को आंशिक पाचन में मदद करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो सलाइवा होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा यहाँ पे,
तो कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्वेश्चन आए कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, आप कहेंगे कि मुख से शुरू हो जाती है या बकल कैविटी से शुरू हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि किस भोज्य पदार्थ का पाचन मुख से शुरू हो जाता है, आप आंसर देंगे कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हमारे मुख से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आया, दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज स्वेलोड बाय द टंग एंड पास डाउन टू इसोफेगस और फूड पाइप, यानी कि जीव भोजन के साथ लार को मिलाने में मदद करती है और यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जीव के द्वारा निगल लिया जाता है और ग्रास नली या भोजन नली में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कहा कि जो सलाइवा है सलाइवा चबाने में मदद कर रहा है, लेकिन सलाइवा और भोजन को मिक्स कौन करेगा, यहाँ पे हमारी टंग हमारी जीभ यहाँ पे मिक्स करेगी। तो टंग के भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी हमने सलाइवा के काम देखे क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, अब टंग का देखते हैं यानी कि हमारी जीभ का देखते हैं। सबसे पहले तो जीभ बोलने में काफी हेल्प करती है, बोलने में इम्पोर्टेंट है। सेकेंड क्या होता है कि जो भी आपको स्वाद का पता चलता है, आपने कहा नमकीन है मीठा है कड़वा है तीखा है, जो भी आप टेस्ट लेते हो वो हमारी जीभ के द्वारा पता चलता है। तीसरा क्या होता है कि जो जीभ है वो क्या करती है, सलाइवा और भोजन को आपस में मिक्स करती है ताकि हम भोजन को चबा सके, भोजन गीला हो, भोजन का पाचन हो और भोजन आराम से निकला जा सके। तो यहाँ तक ये प्रोसेस हो गई है, अब क्या हुआ, अब जो भोजन है भोजन को निगल दिया गया है और भोजन अब कहाँ बक्कल कैविटी से कहाँ चला गया है, भोजन नली में चला गया है यानी कि इसोफेगस में चला गया है। तो हमारी बक्कल कैविटी में यहाँ पे जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, अब जो और जो क्रिया है वो आगे के जो ऑर्गन है वहां पे कंप्लीट होगी। तो ये तो हमने जाना कि मुख गुहा में या बक्कल कैविटी में किस प्रकार से ये प्रोसेस आई जा रही है। अब हमने यहाँ किस किस चीज की बात की थी, हमने यहाँ पे टीथ की बात की है और टंग की बात की है। तो हम जान लेते हैं कि टीथ यानी दांतों के बारे में थोड़ा सा और थोड़ा सा टंग के बारे में। नेक्स्ट स्टडी हमारे पास आएगी हमारे टीथ क्या पढ़ेंगे हम, हमने लिखा द फूड इज कट बाय द टीथ इनसाइड द माउथ। ये बात हम जानते हैं कि हमारे मुंह के अंदर जो भोजन को काटा जाता है या चबाया जाता है वो दांतों के द्वारा चबाया जाता है। टीथ मैकेनिकली ब्रेक द फूड इंटू अ स्मॉल पीसेस, यानी कि जो टीथ है जो दांत है वो फिजिकली जो भोज्य पदार्थ है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दीज टीथ वेरी इन अपेरेंस, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अब आगे हम देखेंगे कि टीथ हमारे पास चार प्रकार के आ रहे हैं और जो चार प्रकार के जो टीथ हैं वो अलग अलग उनका कार्य होता है, और ये जो टीथ होते हैं ये हमारे गम्स में जिन्हें हम क्या कहते हैं मसूड़े कहते हैं हमारे मसूड़े में फिट होते हैं। तो हर एक टीथ एक सॉकेट में वहां पे क्या होता है फिट होता है हमारे मसूड़ों में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ। अब हमारे पास चार प्रकार के टीथ आ गए हैं, कौन कौन से हैं, पहला हमारे पास है इंसीजर, सेकेंड है हमारे पास कैनाइन, थर्ड हमारे पास प्रीमोलर और लास्ट है हमारे पास मोलर। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इनका फंक्शन है। तो इंसीजर की बात करें तो इंसीजर में क्या होता है, दीज आर फोर चेजल शेप इंसीजर एट अ सेंटर ऑफ अ ईच जॉज फॉर अ बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। इंसीजर का क्या काम होता है, ये बाइट करते हैं, यानी कि आपने क्या किया, आपने एप्पल लिया या फिर आपने रोटी ली तो आप काटते हो, जो आगे के जो आपके दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर कह रहे हैं, वो काटते हैं भोजन को। तो हम यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं कि इंसीजर हमारे पास कहाँ पे है, ये हमें इंसीजर बताए गए हैं 1, 2, 3, 4। तो इंसीजर हमें यहाँ पे बताए गए हैं कि ये जो इंसीजर होते हैं यहाँ पे काटने का कार्य करते हैं। ये आपको पता चल गया कि इंसीजर का क्या कार्य होता है। अब आप क्या कर सकते हो, आप मिरर में या शीशे में अपने आपको देख सकते हो और आप देखोगे कि इंसीजर कहाँ पे होंगे आपके पास, और साथ ही आप क्या देखोगे कि ये जो इंसीजर हैं ये जो दांत हैं इनका कार्य क्या होता है। आप देखोगे जो हमारे आगे के जो दांत होते हैं वो किसी भी चीज को अगर आप काट रहे हो तो वहां पे उनका फंक्शन होगा। नेक्स्ट आप देखोगे आप किसी चीज को चीर रहे हो या फाड़ रहे हो तो अलग प्रकार के दांत होंगे, अगर आप चबा रहे हो तो वहां पे अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो पहले प्रकार हमने पढ़ लिया है,
सेकेंड हमारे पास आता है केनाइन. तो केनाइन क्या होते हैं? दीज आर अ टू लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसीजर्स इन ईच जॉ फॉर अ पेरिंग एंड अ टियरिंग द फूड. इसे हमने क्या कहा? अब केनाइन, केनाइन आता है हमारे पास सेकेंड. ये क्या है? केनाइन है, यानी कि इंसीजर के बगल में क्या होते हैं? केनाइन्स होते हैं और ये नुकीले होते हैं, यानी किसी चीज को चीरना या फाड़ना हो तो हम यहाँ पे केनाइन का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं. और नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीमोलर. तो प्रीमोलर्स क्या होते हैं? दीज आर अ फोर, टू ऑन ई साइड. अब आप नंबर भी याद रखोगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे हमने क्या कहा? अगर इंसीजर की बात करें तो इंसीजर सेंटर में होता है, और अगर हम केनाइन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? सेंटर में. तो क्या होगा? इंसीजर हो, इंसीजर के बगल में होगा. तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर इनका नंबर है तो नंबर में हमने क्या देखा था कि दो हैं, दो होते हैं. और अगर हम बात करें प्रीमोलर्स की तो प्रीमोलर्स का नंबर यहाँ पे क्या है? चार है, यानी कि टू ईच साइड यहाँ पे बताया गया है. प्रीमोलर्स क्या होते हैं? लार्ज प्रीमोलर्स विद अ फ्लैट सरफेस बिहाइंड द केनाइन्स इन ईच जॉस फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग. अब जो प्रीमोलर्स है वो चबाने के काम आ रहे हैं. कहाँ है प्रीमोलर्स? ये हमारे प्रीमोलर्स हैं जो कि क्या हो रहे हैं यहाँ पे? चबाने का कार्य कर रहे हैं. और लास्ट हमारे पास मोलर आता है. इन एन अडल्ट दीज आर अ सिक्स, यानी कि जो अडल्ट होते हैं उनमें क्या होते हैं? सिक्स नंबर होता है. हर साइड तीन होते हैं ये. लार्ज मोलर्स विद द फ्लैट सरफेस बिहाइंड द प्रीमोलर्स ईच जॉ फॉर ग्राइंडिंग. ये भी क्या करते हैं? चबाने का काम करते हैं. तो इस प्रकार से हमारे पास कितने? चार प्रकार के दांत आते हैं. कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. इंसीजर का जो नंबर है वो क्या होता है? यहाँ पे चार है. केनाइन का जो नंबर है वो है दो. प्रीमोलर का जो नंबर है वो है चार. और मोलर का जो नंबर है वो है छह. तो ये आपको चारों ही याद करने हैं कि चार प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये दिए भी गए हैं और आपकी बुक में इमेज से भी आपको बताया गया है. नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इमेज. अब इमेज में आप देख सकते हो, तो पहले आप इमेज को देखोगे, उसके बाद आप अपने टीथ से कंपेयर करोगे कि आपके जो टीथ है इंसीजर कहाँ पे है, केनाइन कहाँ पे है, प्रीमोलर कहाँ पे और मोलर कहाँ पे है. इम्पॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? सीक्वेंस ध्यान रखना है कि कौन सबसे पहले कौन आएगा, और सेकेंडली उसका नंबर आपको याद रखना है. ऐसे नहीं कि पहले आप प्रीमोलर बता रहे हो, केनाइन बता रहे हो. आपको सीक्वेंस वाइज ध्यान रखना है और बताना है कि कितने नंबर, कितने दांत होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है. चलिए, अब जब हम टीथ की बात हम कर रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि हमारे जो दांत हैं वो दो बार आते हैं. एक तो तब जब न्यू बॉर्न होता है, तो जब वो कुछ महीने या फिर एक साल का हो जाता है तो वहां पे फिर उसके दांत आने लगते हैं. लेकिन क्या होता है कि जब जो बच्चा है वो 5-6 साल का होने लगता है तो उसके दांत टूटने लगते हैं और उसकी जगह पे नए दांत आने लगते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब दो प्रकार के टीथ आते हैं. तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टडिंग आएगी टाइप्स ऑफ टीथ. और टाइप्स ऑफ टीथ में हमारे पास दो प्रकार के टीथ आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. अब मिल्क टीथ क्या होते हैं? यानी कि जो जब बच्चा न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, यानी नवजात शिशु होता है, वो कुछ महीने का जब हो जाता है तो उस टाइम पे जो टीथ आते हैं उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, यानी दूध के दांत कहते हैं. और जब 6-7 साल का बच्चा होता है और तब वहां पे दांत टूटते हैं और नए दांत आते हैं, तो वो जो नए दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं, यानी कि स्थायी दांत हम उन्हें कह सकते हैं. तो ये जो दांत टूटेंगे कब टूटेंगे? कि जब जो व्यक्ति है वो वृद्धावस्था में पहुंच गया, यानी कि बूढ़ा हो गया है, तो उस टाइम पे उसके दांत टूटने शुरू हो जाते हैं. उससे पहले वहां पे नेचुरली दांत नहीं टूटते हैं. तो इसीलिए हम अब पढ़ेंगे मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में. तो आप क्या देखोगे? इन ह्यूमन बींग्स टीथ ग्रो ट्वाइस, यानी कि जो मनुष्य होते हैं वहां पे जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो दो बार ग्रो करते हैं, दो बार उनकी वृद्धि होती है. नेक्स्ट हमने क्या देखा? द सेट्स ऑफ द टीथ दैट ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी व्हेन वन इज अ स्मॉल बेबी, यानी कि ये जो एक प्रकार के जो टीथ होते हैं, एक जो सेट होता है, वो कब ग्रो होता है? इन्फेंसी में होता है, यानी कि जब कोई जो बेबी है, जो बच्चा है, वो कुछ महीने का होता है. आर कॉल्ड मिल्क टीथ. इसे हमने क्या कह दिया है? मिल्क टीथ कह दिया है.
नेक्स्ट हमने क्या बात की, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेम्परेरी टीथ। अब इन्हें टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। टेम्परेरी का क्या मतलब होता है, अस्थायी दांत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइम के बाद क्या हो जा रहे हैं, ये टूट जा रहे हैं, यानी कि 6 से 7 साल की उम्र में आने पर वो जो दांत है वो टूट जा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें अस्थायी कह दे रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दीज टीथ गेट लूजन एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर, यानी कि जो मिल्क टीथ की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेरी टीथ भी कह रहे हैं, 6 से 8 साल की उम्र में आने पर जो बच्चे की ये जो टीथ है वो टूटने लग जाते हैं। When milk teeth fall off, a new set of teeth grow in their place. तो क्या होता है, जब यहाँ पे मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो उसकी जगह पे यहाँ पे नए टीथ आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि जो टीथ है ऐसा नहीं कि सारे एक साथ टूट गए हैं, एक एक करके टूटता है, कि एक टूटा उसकी जगह दूसरा आ गया, हो सकते एक साथ दो भी टूट गए हैं और वहां पे फिर उनकी जगह पे जो नए सेट ऑफ टीथ वहां पे आ जाते हैं, और जो दिस सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड अ परमानेंट टीथ। जो दांत दोबारा आ रहे हैं उसे हमने क्या कहा, परमानेंट टीथ कहा, यानी कि स्थायी दांत कहा, क्योंकि अब ये नहीं टूटेंगे, ये तभी टूटेंगे जब जो व्यक्ति है वृद्धावस्था में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की, बिकॉज दीज रिमेन टिल द ओल्ड एज, यानी कि परमानेंट या स्थायी टीथ क्यों हम नहीं कह रहे, क्योंकि वृद्धावस्था तक बने रहते हैं, नेचुरली दांत नहीं टूटेंगे, अगर कुछ ऐसे घटना हो जाती है तब तो दांत टूट सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेचुरली टूटने की। जब हम मिल्क टीथ की बात करते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं वो नेचुरली टूट जाते हैं, यानी कि आप फील करोगे कि दांत में दर्द शुरू हो गया है, दांत हिलने शुरू हो गए हैं, और फिर वहां पे क्या होता है कि अगर आप वो दांत तोड़ते नहीं हो तो आपका जो एक्स्ट्रा टीथ किसे कहते हैं, जो परमानेंट टीथ है, अगर आप नहीं भी तोड़ते हो अपने मिल्क टीथ को तो फिर भी वहां पे जो परमानेंट टीथ है उसकी ग्रोथ हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, टाइमली वो दांत तोड़ने अनिवार्य हो जाते हैं, ताकि क्या हो, जो टीथ है, जो दांत है, वो अपने ही स्थान पर वहां पे निकले। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बट इफ दीज टीथ फॉल डाउन नो न्यू टीथ अराइज ऑन इट्स प्लेस। अब मैंने आपको क्या बताया कि दूध के जो दांत हैं, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें 2 बार दांत निकलते हैं, और 2 बार दांत निकल रहे हैं तो इसी के अनुसार यहाँ पे 2 प्रकार के टीथ हुए, एक हमने कहा मिल्क टीथ है और दूसरा कहा परमानेंट टीथ है। तो मिल्क टीथ में हमने कहा कि ये जो टीथ है वो 6 से 8 साल की उम्र में टूट जाते हैं, और जब ये टूटते हैं तो नए दांत वहां पे आ जाते हैं, नए दांतों को हमने परमानेंट टीथ कहा। अब ये जो परमानेंट टीथ है ये कब टूटेंगे, जब आप वृद्धावस्था में पहुंच जाओगे, तो नेचुरली यहाँ पे दांत नहीं टूटेगा, अगर किसी घटना के द्वारा क्या हो गया, दांत टूट गया है वहां पे, कौन सा दांत, परमानेंट टीथ की बात हो रही है, अगर वहां पे परमानेंट टीथ टूट गया है तो उसकी जगह पे दूसरा दांत नहीं निकलता है, दांत सिर्फ 2 बार ही निकलते हैं, इसलिए अगर दूसरे जो सेकेंड टाइम जो टीथ आए हैं जिसे हम परमानेंट टीथ कह रहे हैं वो टूट गए तो उसकी जगह पे नए दांत नहीं निकलते हैं। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, जो टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है स्वीट्स एंड टूथ डिके, यानी कि मिठाई और दांत क्षय। सबसे पहले हम बात करते हैं मिठाई के बारे में, क्योंकि सबको ही मिठाई पसंद होती है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें मिठाई पसंद नहीं होगी, आपकी भी अलग अलग टाइप की फेवरेट मिठाई होती है, और हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, अगर हमें मिठाई खाने का मौका मिले हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं मिठाई खाने का मौका। तो क्योंकि मिठाई सबको पसंद है तो मिठाई सारे ही खाते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं। तो आपको मिठाई और दांत क्षय एक साथ हेडिंग क्यों दी गई है, दांत क्षय का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो दांत है दांतों में क्षय हो रहा है, यानी कि दांत सड़ रहे हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि दांतों पे कीड़ा लग गया, कैविटी हो गई है। तो वही हम चीज देखेंगे, इसका मतलब अगर मिठाई और दांत क्षय हमारे पास एक साथ आया है, यानी कि स्वीट एंड टूथ डिके हमारे पास एक साथ आए, तो इसका मतलब है कि हमारे दांत खराब होने और मिठाई में कोई संबंध होगा। तो बिल्कुल इसका संबंध है, इसीलिए हम दोनों चीजों को साथ पढ़ रहे हैं। तो आपको कहा गया होगा, जब भी आप घर पे रहते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कहते होंगे कि ज्यादा मीठा मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, या फिर आपने कुछ मीठा खा लिया तो आपको कहा जाता है कि दांत साफ करके आओ, और आपको क्या कहा जाता है कि सोने से पहले आपको ब्रश करना है, और सुबह जब आप उठते हो तो तब भी आपको ब्रश करना है, जब भी आप कुछ खाते हो तो अपने दांतों को आपको साफ कर लेना है। ऐसा क्यों कहा जाता है,
क्योंकि क्या होता है, अगर आप ज्यादा मिठाई खाते हो तो आपके दांत खराब हो जाते हैं। अब ये लाइन आपने बहुत सुनी होगी कि मीठा खा के दांत खराब होते हैं या फिर ब्रश ना करने पे दांत खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं वो हम आज जानेंगे कि क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि ज्यादा मिठाई खाने पे हमारे दांत खराब हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम पढ़ेंगे द टूथ इज कवर्ड बाय अ वाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनामल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है और ये जो क्वेश्चन है इससे पूछा भी जाता है। तो हमारे पास क्या इसमें कहा कि जो सफेद दांत सख्त बाहरी आवरण से ढका होता है जिसे इनेमल कहा जाता है। ये वर्ड इनेमल आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमें क्या है, जो बाहरी आवरण होता है वो किसके द्वारा ढका होता है, इनेमल के द्वारा ढका होता है। और आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोर पार्ट कौन होता है, तो उसका आंसर है इनेमल। हमारे जो दांतों का इनेमल है वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, इसीलिए आपको इनेमल को ध्यान रखना है। तो ये बात हमें पता चल गई है कि जो दांत का जो बाहरी आवरण होता है वो किससे ढका होता है, इनेमल से ढका होता है, यानी कि सख्त बाहरी आवरण है कौन, इनेमल, किसका, दांत का। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बिलो विच डेंटाइन इज प्रेजेंट, यानी कि जिसके नीचे डेंटाइन मौजूद होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इट इज अ सिमिलर टू बोन विच प्रोटेक्ट द पल्प कैविटी हैविंग अ नर्व्स एंड अ ब्लड वेसल्स, यानी कि ये हड्डी के समान है जो नसों और रक्त वाहिकाओं वाले लुब्धि गुहा की रक्षा करता है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये लाइन क्या कह रही है कि ये हड्डी के समान ही होता है, यानी अगर हम इनेमल की बात करें तो हड्डी के समान ही होता है। और क्या कर रहा है, ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है किसे, पल्प कैविटी को। ये पल्प कैविटी को, यहाँ पे क्या वर्ड आया हमारे पास, पल्प कैविटी। तो क्या करता है ये, पल्प कैविटी को सुरक्षा प्रदान करता है इनेमल। और पल्प कैविटी क्या होती है, पल्प कैविटी में नर्व्स होती है और ब्लड वेसल्स होती है। अब क्या होती है ये, इसके बारे में पहले बात कर लेंगे। हमने कहा, आपने सुना होगा कि आपको फील होता है जैसे कि अगर दांत टूट रहे हैं तब भी आपको फील होता है, दर्द हो रहा है। जब मिल्क टीथ आपके टूटे होंगे तो आपको दर्द हुआ होगा। नेक्स्ट आपने किसी से सुना होगा कि जब कोई बहुत ठंडा पीता है या कोई गर्म चीज खाता है तो उन्हें दांतों में क्या होता है, पेन फील होता है, दर्द फील होता है, सेंसिटिव हो जाते हैं हमारे दांत। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दांत के अंदर एक कैविटी होती है, उसे हम कहते हैं पल्प कैविटी, जिसे लुब्धि गुहा हम कहेंगे यहाँ पे। यानी एक गुहा होगी, एक कैविटी होती है, उसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। और पल्प कैविटी के अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वो वेसल्स या वो वाहिकाएं जिनमें हमारा ब्लड क्या होता है, दौड़ता है। यानी कि आपने देखा कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड दौड़ता रहता है, वो क्या होता है, हमारे दो प्रकार के रक्त हमने पढ़े हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो क्या होता है, पूरी बॉडी का जो रक्त है वो शुद्ध होने के लिए लंग्स के पास जाएगा, यानी फेफड़ों के पास जाएगा। फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त है वो हमारी बॉडी में जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में घूमता रहता है। और किसके द्वारा घूमता रहता है, ये ब्लड वेसल्स, ये क्या होते हैं, कुछ पाइप होते हैं, जिस प्रकार से हम पानी को क्या कराते हैं, आपने एक जगह पाइप लगाया और दूसरी जगह पानी को पहुंचा रहे हो, कुछ इसी प्रकार का काम करते हैं वेसल्स, कि जो ब्लड है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं। और नर्व्स क्या होती हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में क्या लेके जाती है, सूचनाओं को लेके जाती है और लाने का काम करती है। जैसे कि आपने क्या किया, कभी आपने आप कुछ काम कर रहे हो और आपने क्या, एक गर्म बर्तन को टच कर दिया और आप एकदम से अपना हाथ उठा लेते हो, हटा लेते हो। तो कैसे होता है, आप कैसे अपने हाथ को हटा लेते हो, क्योंकि आपका जो ब्रेन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो आपको बता रहा है कि आपको हाथ को हटाना है। और ये जो प्रोसेस होती है बहुत क्विक होती है, बहुत जल्दी होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे मस्तिष्क ने हमें कमांड दिया, हमें बताया, और कब हमने हाथ को हटा लिया है। तो ये जो सूचनाएं चलती हैं, यानी हमारे जो अंग, अलग अलग अंग हैं, हमारे अलग अलग अंग और हमारे मस्तिष्क के बीच में जो सूचनाओं का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है जो सूचना का, वो नर्व्स करती हैं। अब आप देखिए, हमारे दांत के अंदर ये नर्व्स भी होती हैं और हमारे दांत के अंदर ये ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ये दोनों ही चीज होती है। और कहाँ पे होती है, ये होती है पल्प कैविटी में। और पल्प कैविटी को सुरक्षा प्रदान कौन कर रहा है, हमने कहा पल्प कैविटी को सुरक्षा प्रदान हमारे दांतों का इनेमल कर रहा है।
अब आपको क्लियर हो गया होगा इनेमल क्या है। आपको याद रखना है कि जो दांत है, दांत का बाहरी आवरण है जिसे हमने इनेमल कहा। इनेमल जो पल्प कैविटी है उसे सुरक्षा प्रदान कर रहा है। पल्प कैविटी में नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। दोनों का काम मैंने आपको बता दिया है कि नर्व क्या होती है और ब्लड वेसल्स क्या होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, नेक्स्ट हमने कहा बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। यानी कि हमारे मुख में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। क्या होता है आपने देखा, हालांकि अगर हम खाने के बाद अपने दांत और मुंह साफ नहीं करते हैं तो उससे कई हानिकारक बैक्टीरिया भी वहां पे पनपने लगते हैं। क्या होता है ये आपको बता रहा है कि हमारा जो मुंह होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया वो जीवाणु जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर हम खाने के बाद अपने दांतों को साफ ना करें तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया वहां पे पनपने लगते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। अब ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया बचे हुए खाने में मौजूद शुगर को तोड़ते हैं और एसिड छोड़ते हैं। एसिड छोड़ने के बाद क्या होगा, एसिड यानी कि अम्ल को छोड़ते हैं, तो फिर क्या होगा, द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। अब ये जो एसिड है वो धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इसे दंत क्षय कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको मिठाई ज्यादा नहीं खानी है और खाने के बाद आपको ब्रश करना है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे अगर हम दांतों को साफ नहीं करते हैं तो हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं हमारे मुंह में और ये क्या करते हैं शुगर का ब्रेक डाउन करने लगते हैं। यानी कि मिठाई में शुगर होगा, भोजन में भी क्या होगा कार्बोहाइड्रेट होगा, और जब इसका ब्रेक डाउन करते हैं, इसे ब्रेक डाउन का क्या मतलब है कि इस भोजन को खाते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तो क्या होगा, ये एसिड रिलीज करते हैं, एक अम्ल को श्रावित करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब आपने रात को कुछ खाया और आप ब्रश नहीं करते तो जब आप सुबह उठेंगे आपको अपना जो मुंह है वो कुछ खटक सा आपको फील आएगा। जहां अब अगर आप दांतों को अपने दांतों को फील करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ खट्टा सा आपको फील हो रहा है, वो क्या है, जो बैक्टीरिया थे उन्होंने भोजन का अपघटन किया और उसके माध्यम से वहां पे एसिड का प्रोडक्शन हुआ और यही एसिड क्या कर रहा है आपके दांतों को खराब करता है और धीरे धीरे दांतों में जिसे हम क्या कहते हैं कीड़ा लगना कहते हैं, यानी दांत सड़ने लगते हैं, दांत खराब होने लगते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं दंत क्षय कहते हैं। तो ये है रीजन कि दांतों में कीड़ा क्यों लगता है या दांत क्यों सड़ते हैं। तो क्लास आज हमने पाचन तंत्र के कुछ ऑर्गन के बारे में पढ़ा, कुछ अंगों के बारे में पढ़ा जिसमें हमने बक्कल कैविटी के बारे में जाना और दांतों के बारे में जाना। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।